एक तरफ देश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है तो दूसरी ओर एनडीए और इंडिया के घटक दलों ने आखिरी चरण के मतदान के लिए कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर और कांगड़ा में राजीव भारद्वाज के समर्थन में जनसभा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हिमाचल के मंडी और नाहन में रैली को संबोधित किया था। अमित शाह ने रैली में कहा कि आज छठे चरण का मतदान चल रहा है। पांचवें चरण में मोदी जी ने 310 पार कर गए। अब छठे और सातवें चरण में 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। 400 पार की जिम्मेदारी सातवें चरण वालों पर है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा और उनकी बहन शिमला में छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि ये अपने वोट बैंक से डरते हैं। हमीरपुर की रैली में अमित शाह ने कहा कि अगर आप दिया लेकर भी ढूंढोगे तो भी अनुराग ठाकुर जैसा सांसद नहीं मिलेगा। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की बल्कि भाजपा और भाजपा की विचारधारा के साथ देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया है। अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार गुमल के बेटे हैं, साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। वो इस सीट से लगातार 4 बार से सांसद हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर से भाजपा के अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के सत्यपाल रजक को मैदान में उतारा है और कांगड़ा में भाजपा के राजीव भारद्वाज के खिलाफ कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद शर्मा मैदान में है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में हमीरपुर की जनता किसके पक्ष में हामी भरती है।